ने कहा कि आप एक्स्ट्रा बटर भी डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम जी, स्वागत है आपका फूड स्टैंड पर। दोस्तों हम आ चुके हैं मामा जी की स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए, पीतमपुरा एमबी ब्लॉक। अब ये भीड़ आप देख सकते हैं भाई, अब क्या टेस्ट होगा मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, पहले भीड़ आपको बता रही होगी। यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग हैं जो कि वेटिंग में है। तो यहाँ के छोले कुलचे स्पेशल हैं क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें ना बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई होते हैं। दिखाता हूँ आपको, पूरा मज़ा आएगा वीडियो में, एंड तक बने रहिए। वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एड्रेस पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चलिए यहाँ का मजा लेते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी मटर बनेगी और ये सबसे पहले कट रही है अपनी हरी मिर्च, टमाटर, अच्छा धनिया, सही है सर। मामा जी गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप कैसे काम कर पा रहे हो यहाँ पे? ये हमारा रोज का काम है। अच्छा, मुश्किल काम है, रस निकालना। हाँ, और फिर तवे के सामने खड़े भी होना। यहाँ क्या धनिया, आपका धनिया रहा, अभी आपका नींबू रहा, नींबू। अरे बढ़िया, तो भाई बहुत सही क्वांटिटी में नींबू जाएंगे। हाँ, खट्टी खट्टी खुशबू फैल चुकी है। साथ में हमारे छोले, मटर, मटर कुलचा, मटर कुलचा, सूजी वाले हैं। अरे बढ़िया, ये देखो भाई, ये बॉइल्ड मटर होंगी ना? हाँ, बिना ऑयल के। हाँ, बहुत बढ़िया, गर्मा गर्म बटर लग रही है वैसे, खुशबू गर्म है भी। हाँ, इसमें कोई ऑयल नहीं है, खाली ना प्याज नींबू। अच्छा, हाई पानी बस वो है जी। ये आ गया नमक, अभी आ गया नमक जी, अभी आ गया मसाला, ये गरम मसाला है ना। हाँ, आज का कटा हुआ है। अच्छा, अरे लाल मिर्च, ये लाल मिर्च कुटी हुई है, सही है। अभी घुमा देते हैं। हाँ मामा जी, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को हो गया 40-45 साल। अच्छा, पहले एक रुपये प्लेट बेचता था। अरे क्या बात है, और ये क्या इमली वगैरह कुछ? ये इमली का पानी है। अच्छा, गीला करने के लिए। अच्छा, सही है भाई, खुशबू ना है बड़ी खट्टी खट्टी से आ रही है, नींबू का जायका तगड़ा आने वाला लग रहा है। अजय बन जाएंगे एकदम नंबर एक के। हाँ सर, मैं आपका क्राउड देख के समझ गया यहाँ पे। कमाल यार, अब ये बन गया जी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आ गया बटर, और मामा जी कमाल की क्वांटिटी में बटर यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये लो भाई, ये पहले प्याज आ गया और फिर टमाटर, पहले इसमें भी छोले करेंगे ना फ्राई। ओके, ये ऊपर से धनिया, और फिर आ गए भाई ये छोले मटर। ओ भाई ये देखिए एक बारी, कमाल, ये ज़्यादा सॉलिड लग रहे हैं थोड़े, ऐसा नहीं बिल्कुल ग्रेवी वाले हो गए हों, बिल्कुल खड़े खड़े मटर आपको दिख जाएंगे इसके ऊपर। दोस्तों मैं अभी आया था दुकान पे, तब छोल ये मटर बन रही थी, हमें लगा हम लेट हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे थे, लेकिन भाई 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई सारी। और ये ऊपर से इमली का पानी, ऊपर से और बटर, भरपूर कैलोरीज। अच्छा, सीन ऐसा है यहाँ पे कि सारा पैक हो जाएगा, सारे कंटेनर में डाल के रखेंगे, फिर यहाँ पे कुलचे जाएंगे। अब कस्टमर चाहे उतने हैं चाहे नहीं तो भी, बट इतना भरोसा है कि सारे पैक होंगे तो उसके साथ साथ कस्टमर्स आते रहेंगे। कपड़े चेंज कर देना इसके वीडियो। अच्छा, नहीं नहीं इतना तो नहीं होता सर, कपड़े कोट पैंट करा देना। मटर सारा पैक करके रख देते हो आप यहाँ पे, फिर कस्टमर आते तो उनको सर्व करते रहते हो सब ले आते। गरम रहते हैं ना ये, सलाद देना। अब मक्खन पड़ेगा इसमें देखो। अच्छा, ऊपर से मक्खन जाएगा, ठीक है भाई। वो देखो एक बारी उस साइड ऊपर से एक्स्ट्रा बटर डालते हैं, जो चाहते हैं ना बटर खाना वो यहाँ पर आए। बहुत सही, और खाना भी हो तो भी आप यही देते हैं। खाना होगा तो कस्टमर खोल लेगा ना, क्योंकि कस्टमर को समय ना लगे। अच्छा, आए और तुरंत देते क्योंकि टाइम है ही नहीं किसी के पास। और यहाँ पे कुलचे लगेंगे सर, 2 प्लेट फ्राई हमारे भी लगाए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, चाहे मटर हो चाहे कुलचे हो, क्वांटिटी अमेजिंग होती है दोनों में। सच में सर, मैं आया ना तो ऐसे घेर रखा था लोगों ने, मैंने कहा पक्का, मैंने हमने एड्रेस नहीं देखा, मुझे लगा यही है पक्का।
सारे कस्टमर्स तारीफ कर रहे थे कि जब बटर डलता है ना, अभी कहाँ कहाँ तक धुआं जा रहा होगा, आ रही होगी ना खुशबू, पूरी दिल्ली में फैल गई होगी। दिल्ली नहीं तो पीतमपुरा वालों को तो पता चल गया होगा भाई मामा जी के। इसके ऊपर से एक्स्ट्रा और डलेगा। अच्छा भाई, क्वांटिटी देखो एक बार यार, ये बटर देखो, पूरा तवा तो बटर से ही भर गया। बिल्कुल बटर में जो भीगे हुए कुलचे होते हैं ना, वो मिलने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बटर भी डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये एक्स्ट्रा, ये इससे ज़्यादा तो कोई क्या ही खाएगा। छोले पैक हुए, हाँ मैं डाला कि नहीं डाला? बिल्कुल सर। भाई इतने ज़्यादा बटर की क्वांटिटी मैंने नहीं खाई होगी शायद। बहुत सही, 40 साल आपने बताया हो गया, तब से इतना ही बटर डल रहे हैं यहाँ पे? या ये बटर डालडेगी डालते थे? अच्छा, तो अब ये बटर डालना कब चालू करा आपने? ये डाला अमूल का। अमूल का? अच्छा, अमूल का चलाया 15-16 साल। 15-16 साल, ठीक है। फिर वो महंगा हो गया, फिर न्यूट्रलाइट। तो कितना टाइम हो गया आपको इतना बटर डालते हुए? हो गए 40, इसके हो गए न्यूट्रलाइट डालते हुए 20 साल तो हो गए। 20 साल इतना ही बटर डालते हुए, क्या बात है सर। सैलेड का दिखाते हैं भाई, पूरा प्याज टमाटर सब कुछ मतलब काट पीट के ऊपर चटनी वटनी डाल के देते हैं, अरे हरी मिर्च का अचार। तो चलिए भाई, कुलचे आ चुके हैं, छोले खुलते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म है। ये देख रहे हो ये ऊपर का ना सारा ये बटर है एक्चुअली, जो ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा बटर डाला है, ये देख रहे हो बिल्कुल गर्मा गर्म है। बिल्कुल ना मलाईदार हो गई है मटर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी हमें। सैलेड भर भर के दिया है और फिर इनके कुलचे जो कि बिल्कुल ही बटरी था और क्रिस्पी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बटर सोख कर इतना पकाया गया इसको बटर के साथ। भाई देख लो ठीक है वो बिल्कुल, एक बाइट अरे दे रही है। कितने के लिए? दो प्लेट के लिए। सर सब्जियां फ्री में आती है क्या यहाँ पे? बताओ यार। दोस्तों एक्चुअली बटर ना पूरा ट्रैप हो रखा है अंदर, और छोले मुझे कमाल लगे, मतलब मीडियम स्पाइसी है। अब चाहे थोड़ा और स्पाइसी करवाइए, मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे लोग करवा रहे हैं स्पाइसी, बट बैलेंस्ड मील कमाल के, और दोनों इतने गर्म मिलेंगे आपको कि मज़ा आ जाएगा आपको, चाहे कितनी गर्मी हो लेकिन खाना जब गर्म होता है ना तो मज़ा तो उसी में ही आता है। भाई बटो लीजिए, हमारे मनीष भाई की हाफ प्लेट है, इसको अलग करते हैं पहले। ये देखो यार एक बार ना, कस्टमर्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो मेरे को बताया कि रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कि डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही उन्हें, तभी वो रेगुलर आ पा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी सी मैं प्याज भी ले लूं। आइए अब इसका टेस्ट लेते हैं। एक्चुअली इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है कि वो कुलचे से ज़्यादा वो अमृतसरी कुलचे जैसा स्वाद आ रहा है कि भाई वो इतना क्रिस्पी हो चुका है वो। तो अगर थोड़ा आपको सॉफ्ट पसंद है तो इनको पहले बोल दीजिएगा कि हमारा थोड़ा सॉफ्ट कुलचा करें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया वो। और टेस्ट छोले का अमेजिंग है, मटर अमेजिंग है। एक चीज़ और दोस्तों, मैंने बटर का इनसे पूछा, इन्होंने साफ बोला न्यूट्रलाइट यूज़ करते हैं, पहले अमूल यूज़ करते थे बट जब अमूल का रेट बढ़ा तो हमें न्यूट्रलाइट यूज़ करना पड़ा। कई जगह न्यूट्रलाइट यूज़ करते हुए अमूल का नाम लिया जाता है, तो मैं तो खैर न्यूट्रलाइट आपको पता बटर तो होता नहीं है, वो है तो हेल्थ के साथ खिलवाड़ ही, बट जो एक्सेप्टेंस है वो वाली बड़ी बात है। टेस्ट अमेजिंग है, थोड़ा सा मैं कहूँगा आए तो थोड़ा सॉफ्ट रखवाइएगा अगर आपको सॉफ्ट कुलचे ज़्यादा पसंद है तो, और सलाद इतना कमाल का देते हैं भाई ये तो अमेजिंग, मतलब तारीफ नहीं सलाद के लिए तो।
और एक प्लेट 50 रुपये की है, 35 रुपये की प्लेट है अगर आपको फ्राई वगैरह नहीं करवाना तो। और टाइमिंग मैंने बता दी सर, 7 दिन है आपका या कोई छुट्टी भी है? 7 डेज ओपन है, कोई छुट्टी भी है? अच्छा, कभी कभार आप ले लेते हैं, वैसे कोई छुट्टी नहीं है भाई। पहली बाइट के साथ ना पता नहीं चल रहा था मिर्ची का, पहले नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना वो मिर्ची बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि हाँ हाँ ये वाली आवाज़ें निकलेंगी। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे एक रायता और हो जाता तो मज़ा आ जाता, ये मिर्ची थोड़ी कंट्रोल में हो जाती, प्लस इस गर्मी का भी जुगाड़ हो जाता, तो मैं ये चाहूँगा ये रायता स्टार्ट करें। और बटर में इनकी रेट ठीक है, 50 रुपये का फ्राई देते हैं, अगर वो 70 रुपये करके अमूल बटर यूज़ करें तो और बेटर हो जाएगा, थोड़ा रेट बढ़ा के अगर वो अमूल बटर भी इसमें रखने लग जाए, ताकि जिस कस्टमर को अमूल चाहिए वो अमूल ले सके। तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा इनको। बाकी टेस्ट ठीक है, स्पाइसी ज़्यादा है, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा बटरी वाले छोले कुलचे खाने हैं तो इनसे बेटर आपको जगह नहीं मिलेगी पूरी दिल्ली में। बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे बड़े बड़े वीडियोस देखने के लिए फूडी साइड को सब्सक्राइब करके साइड में घंटा भी प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।